हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, मैकबुक में आप डेस्कटॉप के आइकन साइज़ जो है कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। आपको मैं यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ कर कर बताने वाला हूँ। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप जो है कमेंड की प्रेस करते हुए आपको ऑप्शन की प्रेस कर देना है, उसके बाद आपको एल प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर से जो है आइकन साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आइकन साइज़ डिक्रीज़ हो गया है। अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है तो आपको कमेंड की प्रेस करते हुए आपको प्लस बटन जो है आपको प्रेस कर देना है, आइकन साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप जो है इजीली मैकबुक में डेस्कटॉप आइकन साइज़ जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।